मियां वाले का एक और बेटा धरती माँ पर कुर्बान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर बाबा खान की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। मेजर बाबा खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद के भाइयों से इजहार तासीयत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा शहीद मेजर बाबा खान कौम का हीरो है, जिस कौम के पास बहादुर सपूत हों इसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। कौम को आप जैसे बुलंद हौसले वाले वालिद पर फख्र है। मियांवाली के सपूत मेजर बाबर की शहादत पर लवाइकीन ने फख्र का इजहार किया। मामू मेजर रिटायर्ड गुल मीर खान ने कहा कि भांजे बाबर खान की शहादत पर सर फख्र से बुलंद हो गया है। चचा जियाउल्लाह खान, रहमतुल्लाह खान और फारूक खान का कहना था, शहीद मेजर बाबर निडर और बहादुर इंसान थे। बड़े भाई सुहेल इरफान खान ने कहा कि मुल्क कौम के लिए शहादत नसीब वालों को मिलती है। मेजर शहीद बाबर खान मेरे छोटे भाई थे। माशाल्लाह बड़ा नेक लड़का था, पांच टाइम का नमाजी था, जवान लड़का था, जोरावर था, जवानी में पांच टाइम की नमाज पढ़ता था, बहादुर इंसान था। सारा भतीजा ही माशाल्लाह बहुत बहादुर जवान आई, बहुत अच्छा अखलाक मालिक आई, सारा दोस्ती बना बड़ा अच्छा है। सन बड़ा फख्र है शहादत है मुल्क दे। असा आप इंशाल्लाह मैं आप फौजी रिटायर हूँ, इंशाल्लाह जरूर खुद मैं दोबारा फिर भी अपनी जान का कुर्बान दिसा। बाबर खान सारा बहुत प्यारा दोस्ती है, बहुत प्यारा सारा भतीजा है। मुजफ्फरगढ़ में सियासी गहमा गहमी मान पड़ गई। पीपी 269 में जिम्न इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 18 मई को इलेक्शन मुलतवी करने और दोबारा गिनती के दो नोटिफिकेशन जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल करवाने की हिदायत। मौजूदा असेंबली इंतहाई कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। मुल्तान में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI के साथ जाति दुश्मनी नहीं। तालीम के लिए हमारे खानदान के खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सर्किट हाउस मुल्तान आमद। चेयरमैन सेनेट से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। सियासी मोर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद दी थी। बहावलपुर में डेंगू के बाद दुबई पलट, शख्स में डेंगू वायरस की तस्दीक। अहमदपुर शर्किया का रिहायशी अकील अहमद 9 रोज से बीमार था। रवा साल का 15वां, रवा माह का 5वां केस रिपोर्ट। बहावलपुर में गैस्ट्रो के बाद 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 120 मरीज रिपोर्ट। सरसादी कबासी अस्पताल 98, BBH में 22 मरीज लाए गए। तालीम की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इकदाम। तरक्याती कामों के लिए 2400 मिलियन रुपए जारी। मुल्तान के लिए 89 मिलियन, रहीम यार खान 304, लैया के लिए 241 मिलियन जारी। फंड्स रवा हफ्ते मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स बारे इजलास। मरियम नवाज ने 5 साला प्लान का महाना शेड्यूल तलब कर लिया। 3 लाख बच्चों की गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआवजे की मंजूरी। पंजाब के लिए 600 नई बसें खरीदने की मंजूरी। खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए का बजट मुख्तस होगा। मुल्तान 100 और बहावलपुर के लिए 42 बसें खरीदी जाएंगी। रहीम यार खान की तरक्की के लिए एक और अहम कदम। मोटरवे तक रसाई अब मजीद आसान हो गई। दो रह सड़क और इकबालबाग पर फ्लाईओवर बनेगा। मंसूबा 3640 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन जनूबी पंजाब में कल मैदान सजेगा। मुहिम के आखिरी रोज उम्मीदवारों ने वोटर्स को तरजीहात बारे आगाह किया। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन की टीम हर स्कूल में तश्कील दे दी गई। बहावलनगर के 131 स्कूल में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल।
सादिकाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। M5 पर जमालदीन वाली के करीब बस उलट गई। तीन मुसाफिर जहां बाग चौथे जख्मी, 27 अस्पताल में मुंतकिल। पांच मामूली जख्मियों को मौके पर तिबी इमदाद दी गई। हादसा बस का टायर फटने से पेश आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में सहाफ़ी इशफाक़ अहमद के कत्ल के वाक़िए का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ीर। दिल के अरमां आंसू में बह गए। खानपुर में दुल्हन दिखाकर तीन अफराद को लूट लिया गया। सक्कर से तीन दूल्हे बारात लेकर बस्ती डाहरा पहुंचे। ससुरालियों के घर पर ताले मिले। दूल्हे और बाराती मायूस। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातें न रुकी। 24 घंटे में डकैती की 15, चोरी की 7 वारदातें रिपोर्ट। पुलिस ने डकैती के 14 और 7 चोरी के मुकदमा दर्ज किए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इन एक्शन। कोहिर सलमान राखी गांच में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। भारी मकदार में गैर मुल्की नॉन कस्टम पे सामान तहवील में ले लिया। मुल्तान में 261 मिलियन मालियत का गैर कानूनी सामान तहवील में ले लिया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। सफाई सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए से नई मशीनरी खरीदी। 3 माह हो गए नई मशीनरी को फाल करने की बजाय खुले आसमान तले खड़ा कर दिया गया। रोही ने प्रोग्राम न्यूज नाइट में सफाई कंपनी की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। जनूबी पंजाब में तजावजात की भरमार। सड़कें सिकुड़ने से आवाम होने लगे खवास। मुल्तान में तजावजात माफिया बेलगाम। शहर ओलिया की बेशतर शाहराओं पर तजावजात कायम। ट्रैफिक जाम होने से परेशानी का शिकार है। हजूरी बाग रोड के ताजरों की रोही से गुफ्तगू। रहीम यार खान में तजावजात माफिया ने पंचे गाड़िया। रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, निश्तर बाजार में तजावजात की भरमार। मुजफ्फरगढ़ में छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल। मियांवाली में ऑपरेशन के बाद दोबारा तजावजात कायम। एप्का की कॉल पर सरगोधा में मुलाजमीन का एहतजाज। लीव इन कैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। रेलवे कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इकदाम पसी हुई। यार खान के यूटिलिटी स्टोर रिलीफ की फराहमी में नाकाम। बेशतर अशिया खुरनोश गायब। घी आम मार्केट से भी महंगा। सार्फिन के मुताबिक हमेशा यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटते हैं। महकमे सोशल वेलफेयर मुल्तान बदस्तूर अफराधी कुवत में कमी का शिकार। सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर समेत 11 सीटें खाली। क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर भी तैनात नहीं। महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से मुल्तान में बैगर होम बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। 2 साल गुजर जाने के बाद भी जगह तलाश ना की जा सकी। बैगर होम बनाने का मकसद शहर को भीख माफिया से निजात दिलाना था। सेक्रेटरी ज़रात पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई कॉटन कमेटी का इजलास। कपास की काश्त का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी ज़रात जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की भी शिरकत। गर्मी की हालिया लहर ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। हीट पेप में काश्तकार ड्रिल के जरिए कपास काश्त ना करें। ज़रई माहिरी ने काश्तकारों को खबरदार कर दिया। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गोरी की कपास को बीड्स बनाकर काश्त करने की हिदायत। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा का दौरा। रहीम यार खान जारी प्लायामा के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अस्पतालों समेत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का जायजा लिया। सेर इल्तवा मनसूबों की तरजीह बुनियादों पर तकमील के लिए जिला इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली। मुजफ्फरगढ़ में 14 माह के बच्चे की बाजियाबी का मामला। आरपीओ डेरा गाजी खान सज्जाद हसन खान ने शानदार कारकर्दगी पर पुलिस टीम को तारीफी असनाद से नवाजा।
अगवाकार खातून की गिरफ्तारी और बेमिसाल कारकर्दगी पर जवानों को शाबाश दी। तेजग्राम एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, सफर को आरामदेह बनाने के लिए प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का खुशबू ने इजाफा। 20 मई से एक वक्त में 35 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। एचईसी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। रवा साल लॉ में दाखिले के लिए 6 टेस्टों का इत्तमाम होगा। तलबा रोल नंबर स्लिप वेबसाइट पर देख सकते हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जिकल पाकिस्तान के सीनियर प्रोफेसर का दौरा। डॉक्टर्स ने डीएसपी अस्पताल वखर का तफसीली दौरा कराया। सीनियर सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच की वक्त को ब्रीफिंग। चलते फिरते अस्पताल दहलीज पर करेंगे इलाज। नवाबों के शहर बहावलपुर में भी क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम, माजूर अफराद के लिए खुशी का पैगाम। माली इमदाद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। डीएमएस टीक्यूएच अस्पताल चिश्तियां। उमर जमील के मुताबिक वजीर आला की तरफ से सहूलियात दी जा रही है।